Hey you, what's up guys, welcome back to another episode of Pokemon Mega Light Platinum. और पिछले एपिसोड में हम लोग अपने एलाइट फोर मेंबर से फाइट करने के लिए पहुंच गए थे जहां पे मेन हमारी फाइट होने वाली है। और मैं तुम लोगों से पिछली बार बोला था कि अपने पोकेमॉन्स को ट्रेन करूंगा, उसके बाद ही ये एपिसोड लाऊंगा। मैंने पोकेमॉन्स को ट्रेन कर लिया है। सिर्फ एक ही पोकेमॉन मेरा फिलहाल अभी लेवल 70 का हुआ है, वो है मेगा चारिज़ार्ड एक्स। और गैराडोस मेरा लेवल 60 का हो गया है। टायरनिटार मेरा लेवल पता नहीं कितने का हुआ था, मेरे को याद नहीं है। वेट अ सेकंड, मैं अपने पोकेमॉन्स को हील कर लूँ, ज़्यादा ट्रेनिंग के टाइम ये इंजर्ड हो गए थे। हाँ, तो मेरा टायरनिटार लेवल 60 का हो गया है, मेगा एग्रॉन लेवल 58, मेगा सेप्टाइल लेवल 67 और ग्रेटिना लेवल 52। आई थिंक इतनी लेवल्स काफ़ी रहेंगी एलाइट फोर मेंबर्स को डिफीट करने के लिए मेरे अकॉर्डिंग, नहीं तो हम कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना के उनको हरा ही देंगे। अब मेन काम रहता है हमारा सबसे पहले कुछ पोशंस को लेना, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है मेरे को। अब बिना उनके तो मैं जाऊंगा नहीं। मैं हर बार एक गलती कर देता हूं कि जब भी मैं जिम बैटल में फाइट करने जाता हूं या फिर एलाइट फोर मेंबर्स से फाइट करने के लिए जाता हूं, मैं सामान लेना भूल जाता हूं। तो इस बार बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा और अच्छे सामान लेके जाऊंगा। ओके, मैक्स पोशन मैं लेने वाला हूं 5, फुल हील भी लेने वाला हूं मैं 5। ओके, इसको मैं लेने वाला हूं रिवाइव को, आई थिंक 10 सही रहेंगे। ओके, मैं कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा अब। ओके, चलते हैं अब एलाइट फोर मेंबर से फाइट करने के लिए। आज मैं 2 एलाइट फोर मेंबर से फाइट करने वाला हूँ, ठीक है, पहले बता रहा मैं। ओके, इसका नाम क्या है? इसका नाम नहीं बता रहे। वेलकम टू द एलाइट फोर ऑफ द जेरी लीग, आई एम एशी। ओके, एशी नाम है। आई यूज ग्राउंड पोकेमॉन एंड आई ग्रू अप इन द गवर्नमेंट सिटी। आई डिफेंड द एलाइट फोर विथ ऑल माई पावर, प्रिपेयर टू फेस यू। ओके, ये ग्राउंड टाइप पोकेमॉन यूज करने वाली है और मेरे पास इसको एनकाउंटर करने के लिए गैराडोस है, जिसके पास 3 वाटर टाइप मूव आते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने वाला हूँ सर्फ। ओके, 1 पोकेमॉन डाउन, काफ़ी अच्छी बात है। क्लेडॉल, ओके, क्लेडॉल के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ मेगा चारिज़ार्ड एक्स को। आई थिंक ब्लास्ट बर्न। ओके, क्लेडॉल गया आराम से। टॉटेरा, यार इसने बोला कि ग्राउंड टाइप करेगी, लेकिन इसके पास ग्रास टाइप भी है, जो कि ग्रास और वो है दोनों। ओके, इसके लिए ब्लास्ट बर्न ही काफ़ी रहेगा। ले हिप्पोडॉन, ले वाटरफॉल। हिप्पोडॉन वो बच गया, इट्स ओके, मेरे पास सर्फ भी है, ले वो गया। ओके, मेगा स्वैम्पर्ट, एक वाटर भी है ग्राउंड भी है, तो आई थिंक मेरे को यूज़ करना चाहिए इसके लिए मेगा सेप्टाइल, क्योंकि उसके ऊपर वाटर टाइप का अटैक ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। ओके, होएन रीजन के पोकेमॉन मेगा वर्सेस मेगा, क्या बात है, किसने सोचा था कि इस गेम में हमें ऐसा भी देखने को मिलेगा। ओके, प्रोटेक्ट करे जा रहा है, ये दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ओके, गया काम से, और ये मैंने इजीली हरा दिया पहले राइट फोर मेंबर को इतनी आसानी से। यू आर एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशंस, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन टीम, प्लीज प्रोसीड टू द नेक्स्ट रूम। ओके, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इतनी जल्दी हरा सकता हूँ इनको, तो क्यों एक एपिसोड में 4 पोकेमॉन्स कवर कर लिया जाए, मतलब 4 एलाइट फोर मेंबर्स को। हेलो फ्रेंड, आई एम ट्रीटॉन, द ओशन प्रिंस ऑफ जेरी लाइट फोर, आई बीट यू विद वाटर पोकेमॉन। ओके, इट्स ओके, मेरे पास ग्रास टाइप पोकेमॉन है, ले चिंता की कोई बात नहीं है। फ्रेंजी प्लांट, ओके, 1 शॉट में गया आराम से। मेगा गैराडोस, कोई बात नहीं, मेगा गैराडोस के लिए भी हमारे पास इलाज है। सुमरोट, ओके, काम करता हूँ उससे पहले। ओह, गया मैं, शिट। ओके, मेरे को भी यूज़ करना चाहिए आई थिंक ग्रेटिना। सुपर पावर, ओके, इसके पास आइस टाइप मूव है जो कि मेरे लिए खतरा हो सकते हैं, ले गया मैं। ओके, रुक जाओ एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया आया है। हाँ, मेरे पास रिवाइव तो है ना, रिवाइव तो बहुत सारे लाया था मैं, ये रिवाइव। हाँ हाँ, इसको करो, मेगा सेप्टाइल को ये करो, उसके बाद हाइपर पोशन दे दो अपने मेगा सेप्टाइल को। ओके, हो गया काम।
फिलहाल मैं गैराटॉस से फाइट करता हूँ यहाँ पे ड्रैगन पल्स। ओके अच्छा हुआ मैंने मेगा सेप्टाइल को रिवाइव कर लिया, फ्रिंजी प्लांट। वेट अ सेकेंड, कोई बात नहीं, सबका दिन आता है और इसका दिन गया और मेरा दिन आ गया। वेलॉर्ड, ओके लेवल 60 का पोकेमॉन है, चिंता की कोई बात नहीं है, फ्रिंजी प्लांट यूज़ करूँगा, खेल ख़त्म इसका। ओके ट्रेंटर कूअल, अरे फिर गया मैं, आइस बीम यूज़ करूँ मैं एक बार, रुक जाओ मैं रिवाइव करने वाला हूँ दोबारा से अपने पोकेमॉन को। मेगा सेप्टाइल, बैग, मैक्स पोशन, नहीं सुपर पोशन देता हूँ मैं, हाइपर पोशन ठीक रहेगा। ओके काम हो गया, फिलहाल मैं इससे फाइट करने वाला हूँ आयरन टेल, और ये रहा मेरा मेगा सेप्टाइल। ओके फ्रिंजी प्लांट की पीपी नहीं है मेरे पास, ये गलत बात हो गई यार। ओ शेट मैं ओके हरा दिया हमने गाइस एक और एलाइट फोर मेंबर को। यू मैनेज टू ओवरकम द ओशन प्रिंस, कीप गोइंग एंड ट्राई टू बीट द रेस्ट ऑफ द एलाइट फोर्स। ओके अब मैं जाने वाला हूँ तीसरे एलाइट फोर मेंबर को डिफीट करने के लिए, मेरे को नहीं पता उसके पास वो कौन से टाइप का पोकेमॉन यूज करेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ मेकर एग्रॉन को स्विच कर लेता हूँ ताकि कम से कम पता तो लग जाए। अरे यार एक बेटा सेकेंड, हाँ तो मैं बोल रहा था कि मेकर एग्रॉन को मैं लेवल 1 पे रख लिया है ताकि उनको पता लग जाए कि उसका कौन सा टाइप का पोकेमॉन यूज़ करने वाला है और उसकी लेवल भी कम ही है। हेलो आई एम लूसिया नोन बाय मैनी एज अ डार्क लेडी, आई ट्रेन डार्क द सिटी फॉर लॉन्ग टाइम टू डेवलप दिस स्टाइल डार्क पोकेमॉन। ओके डार्क पोकेमॉन यूज़ करने वाली है मेगा टायरेंटिटार, इसका इलाज है मेरे पास आइस बीम। ओ भाई साहब इसका इलाज है मेरे पास गैराडॉस, मे बी सर्फ से काम बन जाए। अरे यार मेरे पोकेमॉन डाउन हो गए सही में भयंकर वाले, लीफ लेट से काम बन गया बन गया बन गया, मेरे को लगा नहीं था कि काम बन जाएगा। ओके यहाँ भी मेरा गैराडॉस है, यहाँ पे भी एडवांटेज है मेरे को। वैसे अब तक मेरे को जितनी बैटल्स है, अरे सैंडस्टॉर्म फटाफट से मैं हाइपर पोशन यूज़ कर लूँ अपने ऊपर। ओके हाँ मैं बोला था अब तक जितनी भी बैटल्स मेरे को जिताई है ज़्यादातर तो उसने जिताई है मेरे को, मेगा गैराडॉस ने, सॉरी मेगा सेप्टाइल ने, मैं भी पता नहीं क्या बोले जा रहा हूँ सही में, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। अम्ब्रियन, ओके अब मैं इनकी पावर को चूसना स्टार्ट करूँगा, गीगा ड्रेन मैंने इसलिए संभाल के रखा था ये काम में तो आएगा मेरे। ओके कन्फ्यूज़ कर दिया उसने मेरे को, ये मेगा टाइनिटार गया और ये छोड़ गया सैंडस्टॉर्म। स्क्रैगी स्क्रैगी है स्क्रैगी, आई थिंक वो टाइनिटार यूज़ करना चाहिए क्योंकि मेरे पे वो फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। हाइपर बीम, अब इसने कौन सा मूव यूज़ किया जो एक ही बार में से हरा दिया मेरे को। ओके कोई बात नहीं फ्लाई करता हूँ मैं, एक अटैक से तो बचूंगा इसके मैं। ओके एक और फ्लाई, ओके अरे यार सर फिर वो यूज़ कर लिया ब्लास्ट बन से काम बन गया काम ब्लास्ट बन से मेगा एब्सोल। ओके अच्छा मैंने ट्रेन कर लिया पोकेमॉन को, नहीं तो मैं सही में हरा नहीं पाता इनको। ओके हमने एक और एलाइट फोर मेंबर को डिफीट कर दिया, यस देयर इज़ वन मेंबर ऑफ द एलाइट फोर एंड द चैम्पियन दैट स्टिल अवेट योर चैलेंज, यूज़ द विजडम ऑफ डार्क पोकेमॉन टू कंटिन्यू द लाइट फोर। ओके यू डिजर्व कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग इट फार इनफ टू फेस मी बट योर जर्नी विल एंड हियर, आई एम एलिजाबैथ द आयन क्वीन। मतलब कि ये स्टील टाइप पोकेमॉन यूज़ करने वाली है, मतलब मेरे को यहाँ फ़ायदा होने वाला है फायर टाइप पोकेमॉन्स का। ओके यार ये वाटर भी है स्टील भी है, आई थिंक मेरे को मेगा सेप्टाइल को यूज़ करना चाहिए, ये एक अच्छा डिसीज़न रहा कि मैंने ट्रिको को चूज़ कर लिया था। ओके हाइपर पोशन तू यूज़ करेगा, मैं भी कर सकता हूँ हाइपर पोशन यूज़। ओके भाई साहब प्लीज़ बच जाइए, अरे यार
ओके अब मैं कौन सा यूज़ करूँगा, गैरडॉस यूज़ करना पड़ेगा मेरे को, ड्रैगन पल्स। काम कर जा प्लीज़, कर गया काम कर गया। ओके अभी कौन सा यूज़ कर रही है, ब्रोंजोंग। ब्रोंजोंग के लिए आई थिंक मेक 40,000 एक्स सही रहेगा। लास्ट वन, पीपी नहीं बची। ओके गया काम से, मेटाग्रॉस लावा बन गया। बहुत ही यार मेरे को 40 एक्सपी मिला। मेगा एग्रॉन ले लावा सर, फ्लाई करता हूँ मैं। कुछ नहीं, ओ लावा गया काम से। स्कारमरी, ओके स्कारमरी है तो मेरे को यूज़ करना चाहिए ग्रेटिना, क्योंकि मैंने ग्रेटिना का यूज़ ही नहीं किया। क्रंच कुछ नहीं हुआ, ओके शेडो वॉल कुछ भी नहीं हुआ, ओके ड्रैगन क्लॉ हो रहा है उसको, ओ पॉइजन अभी यूज़ करेगा मेरे को। ओ हार गया वो। यस गाइस फाइनली हमने चारों लाइट फोर मेम्बर को डिफीट कर दिया। Now you are one step closer to conquering the Zeri League, but you still have to defeat the champion Karori. Okay. So well guys, हमारा main mission यहाँ complete नहीं हुआ है, लेकिन हमने चारों Elite Four members को defeat कर दिया है। तो आज के इस episode को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज के इस episode का main motive यही था कि तुम सबको दिखाना Elite Four members को defeat करना, और वो हमारा काम complete हो गया है। So आज की video कैसी लगी प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। साथ ही में ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक कर देना, ताकि आप तुम सबको मेरी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।